सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि दोस्तों आज के समय के अनुसार इंग्लिश डिक्शनरी की ज़रूरत हर किसी को होती है। किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना या दोस्तों किसी भी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हमें डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में दोस्तों आपके लिए मैं बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जो कि दोस्तों आपके बहुत ही हेल्प कर सकती है। यह एप्लीकेशन इसमें बहुत ही मैजिक सेटिंग भी है, जो कि दोस्तों आपको और किसी भी एप्लीकेशन में देखने को नहीं मिलती है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में सर्च बार में टाइप करना है यू डिक्शनरी। इस टाइप की एप्लीकेशन दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको यह एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों यह एप्लीकेशन डाउनलोड होती है तो यहां पर हमें ओपन कर देना है। अब हम ओपन करते हैं तो यहां पर इस टाइप से यह एप्लीकेशन खुल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सी भी यह वीडियो यह एप्लीकेशन अच्छी लगे तो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो इस टाइप से यहाँ पे इस एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी परमिशन मांगे तो उसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ ऊपर सबसे पहले तो लैंग्वेज सेट कर सकते हैं दोस्तों, जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ से जैसे मैंने हिंदी करा हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर टेक्स्ट का है दोस्तों, आप यहाँ पर लिख के किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। तीसरा कैमरा है दोस्तों, यहाँ पे वॉइस कमांड देकर दोस्तों यहाँ पे ग्रामर का ऑप्शन हो गया। अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो मैजिक ट्रिक है, इसकी जो मज़ेदार ट्रिक है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मैजिक सेटिंग दोस्तों, यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद यहाँ नीचे दोस्तों आपको लैंग्वेज सेट करनी है इंग्लिश से हिंदी में। दोस्तों अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपके यहाँ पे दोस्तों मोबाइल के साइड में कॉर्नर पे एक आइकन आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप ऑन करते तो यहाँ से क्विक ट्रांसलेट भी ऑन कर दीजिए। यहाँ पे से क्विक ट्रांसलेट जैसे हम ऑन करते हैं तो आपके दोस्तों नोटिफिकेशन बार में यहाँ पे यह सेटिंग देखने को मिल जाती है। जब भी आपको यूज करना हो मैजिक सेटिंग तो दोस्तों आप उस टाइप से कर सकते हैं। और यहाँ साइड में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे से जैसे हम अब यहाँ पे हमें हिंदी करना है तो यहाँ से हम इसको यहाँ ले आते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे ले आते हैं तो यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे छोड़ने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। तो दोस्तों आप किसी भी मेल या मैसेज या कहीं पर भी आप इस सेटिंग का यूज कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से। तो इस टाइप से यहाँ पे आप इस यू डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह एप्लीकेशन और इस एप्लीकेशन के अंदर जो ये मज़ेदार ट्रिक है आपको यह सब अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं रोज़ाना ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसी सपोर्ट करते रहिए। मैं रोज़ाना ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।